सो यो गाइस के सबसे भी और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आई जगह मेन चैनल। तो गाइस सबसे पहले कर दीजिए बिल्कुल लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो गाइस जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज कि आज गाइस मैं रिव्यू करने वाला हूँ फोर्ड ब्रोंको का। हाँ गाइस फोर्ड ब्रोंको। तो गाइस फोर्ड की गाइस इन्होंने एक और नई कार लॉन्च कर दी है गाइस। वैसे ये इंडिया में तो नहीं आने वाली है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अभी फोर्ड तो इंडिया से चली गई है। तो इसी वजह से गाइस अगर आपको ये कार चाहिए तो फिर गाइस आपको इंपोर्ट करानी पड़ेगी। लेकिन गाइस इंपोर्ट कॉस्ट आप सभी लोगों को पता है गाइस बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस पहले देखते हैं इस कार का ओवरव्यू। तो आप यहाँ से देख सकते हो कुछ ऐसी है। और गाइस ये जो रेड कलर है गाइस ये इसका डिफ़ॉल्ट रेड कलर है, मतलब कंपनी से आया हुआ रेड कलर है। तो ये भी अच्छा है वैसे, ऑफ रोडिंग का है, 4x4 है गाइस। और अभी इंटीरियर देखते हैं, खोलना। ओके गाइस इंटीरियर गाइस मुझे ना ये हल्का सा GT मस्टैंग जैसा ही लग रहा है। देखो यहाँ से स्टेयरिंग व्हील बस थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ से पैसेंजर साइड से यहाँ पे ब्रोंको लिखा है और यहाँ पे गियर शिफ्टर है हमारा। तो ठीक है अभी इसको लेकर चलते हैं कहाँ पर आप सभी लोगों को पता है माउंट चिलियार्ड पे। एक मिनट यहाँ का बस मैं डोर बंद कर देता हूँ। ओके चलो बैठते हैं इसके अंदर। इतने धीरे क्यों बैठ रहे हैं? ओके तो अभी गाइस गाड़ी वैसे ऑफ है, हेडलाइट्स तो नहीं ऑन हुई। तो अब गाइस इसको स्टार्ट कर देते हैं, इंजन की आवाज़ सुनता हूँ पहले। ओके टर्बो ट्यूनिंग गाइस नहीं है क्योंकि अभी कार ये गाइस एकदम डिफॉल्ट स्टेट में, तो थोड़ा रिवर्स लेकर आना पड़ेगा। फर्स्ट गियर ओके। अभी गाइस मैं ना इसको थोड़ी देर के लिए मैनुअल पे चलाने वाला हूँ। वैसे गाइस इस कार में गाइस बहुत ज़्यादा टॉर्क है। ओ भाई ठोकना नहीं है गाइस। एक मिनट मैं ना इसका हैजार्ड सिस्टम ऑन कर देता हूँ। ऑन तो हो गई। हाँ अगर देखो जैसे आगे से तो ऑन हो गए, पीछे से कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ है पीछे से। ओके अरे यार मैं थर्ड गियर पे गाड़ी उठा रहा हूँ। ओके और गाइस आज भी पता नहीं क्यों रोड पे कुछ ज़्यादा लोग बिल्कुल भी नहीं है गाइस, एकदम थोड़े लोग नज़र आ रहे हैं गाइस। हैंडलिंग में एक नंबर है गाड़ी, हैंडलिंग गाइस बहुत ज़बरदस्त है। ओए बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इसे कुछ हुआ नहीं, हल्का सा डेंट आ गया। ओके गाइस मैं ना अभी इसको मैनुअल पे चलाता हूँ क्योंकि गाइस थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो। ओके अभी गाइस सॉरी मैनुअल पे नहीं ऑटो पे चलाता हूँ। क्यों ठुक रही यार गाड़ी गाइस, हल्का सा डेंट आ गया। ओ भाई टॉप स्पीड क्या होगी इसकी। अब मैं ठुक क्यों रहा हूँ भाई, ठुक। ओके बच गया। यहाँ की स्पीड लिमिट गए 35 किलोमीटर पर आर की है लेकिन मैं जा रहा हूँ 90-100 से। ओके गाइस मैं इसके साथ ना गाइस मुझे एक बार रेस भी करनी चाहिए यहाँ से। चलो 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 यहाँ से थोड़ा जाकर देखो क्या। ओके अंदर से गाइस कुछ ऐसे फील तो नहीं हो रहा। ओके तो गाइस ये कार 200 तक आराम से पहुंच जाती है गाइस, 230 तक अभी पहुंचने वाली थी, मतलब गाइस 250 तक हम लेते तो गाइस इस कार की टॉप स्पीड 250 तक आराम से जा सकती है। ओके अभी गाइस यहाँ पे टेस्ट हो रहा है फिर से एक बार। ए भाई ये क्या हो रहा है। ओके 230 तक आराम से जा सकती है गाइस। इसी वजह से गाइस मुझे ग्राफिक्स कार्ड लेना है
जब देख रहे हो क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो गैस मेरी जो रैम है गैस वो भी कम पड़ रही है, और गैस जो मेरे ग्राफिक्स कार्ड की वी रैम है गैस वो भी कम पड़ रही है मुझे। गैस वैसे अभी गैस मेरे पास एपीयू है, आप सभी लोगों को पता होगा, तो गैस इसी वजह से कुछ ज़्यादा अच्छी गेमिंग नहीं कर पाता मैं। देख मैं तुझे छोड़ देता लेकिन अभी मुझे जाना है, सॉरी। गैस वैसे गैस मैं ना उसकी मदद कर सकता था लेकिन गैस अभी देखो मैंने अभी वीडियो भी स्टार्ट कर लिया है और गैस कार भी नहीं है, तो भाई अगर कुछ और वहां पे हुआ अरे कहना क्या चाहते हो? तो नहीं भाई। गैस वैसे इस कार में गैस बहुत ही ज्यादा पावर है, गैस देखो पावर की कमी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। हेडलाइट्स ऑन कर देता, ओ भाई हेडलाइट भी बहुत जबरदस्त है, अब भी ठुक जाता यार। अबे कम स्पीड है, ब्रेक 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 गज ब्रेक में कार में बहुत ज्यादा कमी है, इसे कुछ ज्यादा हुआ नहीं। हेडलाइट्स ऑफ कर देता हूँ, हेडलाइट्स की कोई जरूरत नहीं है। गज ब्रेक में गज फोर्ड को थोड़ा ध्यान देना चाहिए यार। गज अभी अभी आपने देखा क्या, गज मैंने कहा पर वहां पर मैंने ब्रेक दबाया लेकिन ब्रेक ही नहीं मारी कार ने। डिस्क ब्रेक है या ड्रम ब्रेक? ओके डिस्क ब्रेक है चारों साइड में, लेकिन गैस फिर भी इतने कुछ पावरफुल नहीं है। ओके इसके ऊपर से जा सकती है शायद से, हाँ आराम से जा सकती है, इसके ऊपर से नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। और अभी गैस मैंने ना इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन कर दिया गाइस, इसमें ना ऑफ रोड वाला मोड नहीं है, सिर्फ इको कंफर्ट और स्पोर्ट्स ये दो ही मोड है। तो गाइस मैंने अभी इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो मैंने ऑन कर दिया है और जो स्पोर्ट्स मोड है गाइस वो ऑन कर दिया है। गाइस स्पोर्ट्स मोड की गाइस एक ही दिक्कत होती है गाइस, माइलेज बहुत कम देती है कार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावर खींचती है ना, इसकी वजह से गाइस माइलेज भी बहुत कम आती है कार की। ओके यहाँ से जाएंगे क्या सीधा? ओ भाई साहब क्या गाड़ी है, थोड़े ड्रोन शॉट्स। ओ भाई लायन देखो, भाई जाना भाई, देखो ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, ठुकना नहीं ठुकना नहीं ठुकना नहीं है गाइस। वैसे कार गाइस स्ट्रांग है बहुत, अभी देखते हैं इसके ड्रॉप टेस्ट में क्या होता हैजार्ड सिस्टम को गाइस मैं ऑफ ही कर देता हूँ, बहुत टक 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 आवाज करता है। यहाँ से भी कार आराम से आएगी। ओ भाई गाइस अभी देखो अगर मैंने कार यहाँ पे ही रोक दी तो देखते कार ऊपर चढ़ सकती है या फिर नहीं। यहाँ पे आकर मैं ब्रेक दबा देता हूँ और ए भाई नीचे क्यों आ रही है, और यहाँ पे इंजन को ऑफ कर देता हूँ। गाइस देखो ऐसे कार थोड़ी हिल तो रही है, और गैस वैसे इसका एक टायर हवा में है गैस, आप देख सकते हो 1 मिनट गैस, देखो एक टायर इसका हवा में है एक्चुअली, लेकिन गैस फिर भी कार रुकी है क्योंकि गैस इसका हैंड ब्रेक थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन गैस अगर स्पीड में होगा तो फिर गैस आराम से कार नीचे ही आ जाएगी। तो अभी इसको ऑन कर देता हूँ। ओके हो भाई साहब, गाइस ये गाड़ी फिर भी ऊपर चढ़ गई यार, गाइस मैं ना इसको मेरे शोरूम में जरूर रखूंगा जरूर रखूंगा जरूर रखूंगा। गाइस वैसे अभी ना साइमन ने मुझे 2 कार दिए, तो फिर गाइस मैं इसी वीडियो में उसको भी मेरे शोरूम पे रख के आऊंगा। ओके ओके पावर में गैस फोर्ड ने बिल्कुल भी कमी नहीं की है, लेकिन गैस अभी इतनी ज़बरदस्त पावर दी है तो फिर गैस ब्रेकिंग भी उतनी अच्छी होनी चाहिए ना। देखो अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक दबाया गाड़ी रुकती नहीं है गैस, बिल्कुल भी गाड़ी रुकती नहीं, सीधा आगे जाती है। गैस फोर्ड को ब्रेक पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से जाएगी क्या। ओ भाई नहीं, इतने भी नहीं भाई, इसके टायर्स उसके लिए गैस थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। देखो ब्रेक ही नहीं लगा अभी भी, अभी ना गाइस इसको मैं थोड़ा मैनुअल मोड पे चलाता हूँ। ओके ओके
सेकंड गियर भाई, सेकंड गियर। ओ हो भाई, हेडलाइट चली गई। अरे रुक जा रुक जा। अरे यार एक मिनट यहाँ पे था ना, घूम जा। गैस अभी ना मुझे इसको थोड़ा रिपेयर करके लाना पड़ गया, क्योंकि गैस क्रैश टेस्ट में गैस फिर प्रॉब्लम आएगा। A few moments later. ओके, तो गैस देखो अभी वैसे आते वक्त तो गैस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन गैस ब्रेक सी एक ही चीज़ है जिसकी वजह से गैस ये कार थोड़ी पीछे रह जाती है, क्योंकि गैस इसका जो व्हील जो है ना गैस वो ऐसे बहुत मस्त ऐसे घूमता है, और गैस इसका पावर स्टेयरिंग भी बहुत ज़्यादा स्मूद है। टॉर्क और भाई पावर तो भाई ज़बरदस्ती है इसमें। ओके ओके गाइज, मैं ना इसके टॉर्क के लिए गाइज इसका जो वो एक और चैलेंज होता है गाइज, मैं वो भी करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि गाइज मैं वो वाला चैलेंज करूँ, तो फिर गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वो कार पुलिंग वाला चैलेंज मैं करूँ या फिर नहीं। देखो मैं आ तो गया, अब यहाँ से ऊपर। ओए भाई धीरे यार गाइज, वैसे आते आते थोड़े से और स्क्रैचेस लगे गाइज। गाइज देखो वैसे ऑफ रोडिंग में स्क्रैचेस तो लगेंगे कार को, आराम से गाइज एकदम स्मूथली कार चढ़ जाती है। देखो गाइज एकदम स्मूथली गाइज, बहुत जबरदस्त कार है गाइज, एक नंबर कार है गाइज। ये तो अभी मेरी फेवरेट कार बन गई है, ब्रेक को छोड़ के गाइज। ब्रेक आपको मेरे ख्याल से आफ्टर मार्केट एक अच्छे ब्रेक्स लगाने ही चाहिए, और गाइज लुक्स में भी बहुत अच्छे, हजार सिस्टम कौन कर देता हूँ, और गाइज लुक्स में भी वैसे कार बहुत अच्छी है। तो अभी क्या इसका ड्रॉप टेस्ट होगा, एक मिनट का, यहाँ से सीधा जाऊंगा मैं। तो 1 2 3 गो, चलो देखते। ओके ओके गाइस, अभी मैंने कीबोर्ड को छोड़ दिया है, अब देखते कार कहाँ पर जाएगी। ओ भाई सीधा रूफ पे, अभी फ्रंट पे लगे। ओ भाई अब थोड़ा सा कंट्रोल मुझे लेना पड़ेगा नीचे जाने के लिए। गाइस ऐसे कौन सा भी डोर नहीं टूटा, खुल गया, लेकिन गैस वो ऑटोमेटिकली फिर से अंदर क्या है वो चला गया, क्योंकि गैस इसमें वो सॉफ्ट डोर्स आते हैं जिसकी वजह से अगर डोर्स ओपन रहे तो फिर गैस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। गैस सेफ्टी भी वैसे है गैस, गैस इसको 4 स्टार 4.5 स्टार रेटिंग दी है गैस कंपनी ने, फोर्ड ने। ओके ओके गैस विंडशील्ड चली गई, विंडशील्ड। ओ भाई एक और कौन सी, तो ग्लास नीचे चली गई। अबे ये कौन सा व्हील है, ओके ये स्पेयर वाला व्हील है, स्पेयर वाला व्हील निकल के चला गया। देखो यहाँ पर व्हील तो गैस वैसे अभी तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैस टायर्स तो गैस बिल्कुल भी नहीं फटे, फटे मतलब पंचर नहीं हुए भाई। अब भी एक डोर निकल गया, अब एक डोर निकल गया, फ्रंट लेफ्ट वाला निकल गया। देखो यहाँ का फ्रंट लेफ्ट वाला निकल गया। ओके 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 गाइस, वैसे अभी भी इसमें पावर है गाइस, मैं बस इसका इंजन ऑफ कर देता हूँ। अबे ऑन क्यों है गाड़ी, कुछ तो प्रॉब्लम आ गया। ओके अभी ऑफ हो गए, और गाइस वैसे इसका इंजन से गाइस वो टू टू करके आवाज़ भी आ रहा है, वो सेफ्टी के लिए होता है कि आपकी कार क्रैश हो गई है। ओ भाई फ्रंट से तो गाइस देखो इसका वो बम्पर और फेंडर ये तो चेंज करना पड़ेगा, और हुड भी नया लगाना पड़ेगा। फिर टायर्स तो गैस एकदम जैसे पहले थे वैसे ये एकदम हल्के से टेढ़े हुए, लेकिन वो तो गैस व्हील अलाइनमेंट में हो जाएगा ठीक। रूफ तो गैस चेंज करना ही पड़ेगा, देखो रूफ का चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ का बस डोर चला गया यहाँ का एक, फिर पीछे से भी डैमेज है, लेकिन गैस इसके जो लाइट्स है गैस वो अभी तक नहीं गए, लाइट्स अभी तक है तो ठीक है वैसे। और अभी गैस मेरे पास एक और ये है कार, तो अभी मैं ना इसको छोड़ के आता हूँ वहाँ पे, एक मिनट। नहीं लेकिन देखो गैस अभी वीडियो तो गैस बहुत लंबा हो चुका है, इसी वजह से गैस मैं ना इसका एक सेपरेट वीडियो अभी करूँगा। तो गैस अभी यहाँ पे देख सकते हैं फोर्ड की जो ब्रोंको है गैस उसका क्रैश टेस्ट में इसका वैसे कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन गैस अंदर जो पैसेंजर है गैस वो भी ठीक
ठीक ठाक बाहर आ गया, एक खरोच भी नहीं है फ्रैंकलिन को देखो, मतलब सिर्फ यहाँ से आगे हुआ। और गाइस इंटीरियर में भी कुछ डैमेज नहीं है, एकदम सब कुछ वर्किंग कंडीशन में, सब कुछ वर्किंग कंडीशन में। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में मजा आए तो जैसे जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में गाइस इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अरे ये क्यों गन लिया। हाँ तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।